اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا. खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद सिटी की कोशिशों से ट्रांसफार्मर की तंसील। इस मसले के हल के लिए यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद सिटी के चेयरमैन सुफियान अली सदीकी ने अपनी टीम के हमराह अनथक कोशिशें की। जराये के मुताबिक UC 52 गुजर मलक शॉप के सामने वाला ट्रांसफार्मर कई रोज से खराब था, जिसकी वजह से इलाका मकीन रोजेदार अजियत और तकलीफ का शिकार थे। इस मसले के हल के लिए यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद सिटी के चेयरमैन सुफियान अली सदीकी ने अपनी टीम के हमराह अनथक कोशिशें की। एस्को की जानिब से मरम्मत के बाद ट्रांसफार्मर नस्ब करके मुतल्लिका इलाके की बिजली बहाल कर दी गई, जिस पर इलाका मकीनों ने सुकून का सांस लिया। इस मौका पर अहले इलाका UC 52 ने चेयरमैन सुफियान अली सदीकी और सदर इमरान वारसी, जनरल सेक्रेटरी सदीकी आरिफ अमार के साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी तनवीर खान और कोऑर्डिनेटर फहीम आरइन का भी शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा कि रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में इंसानी खिदमात का अजर अल्लाह अज़वजल की जानिब से बेशबहा अता होगा इंशाल्लाह। रिपोर्ट कर रहे थे हैदराबाद से ग्रेट न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आशिफ। अहलन अहलन।